और उज्जैन में हरियाणा की मेवात गैंग के दो सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों आरोपी बड़ी ही चालाकी से एटीएम मशीन के जरिए बैंकों को चूना लगाते थे और आरोपियों ने उज्जैन के एसबीआई बैंक के एटीएम से भी 3,50,000 रुपए निकाल लिए थे। आरोपियों के पास से करीब 80 बैंकों के एटीएम भी मिले हैं। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी अलग अलग बैंकों की शाखाओं के एटीएम के माध्यम से करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। उज्जैन पुलिस को सूचना मिली थी कि देवास गेट चौराहे पर लगे बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर दो लोग संदिग्ध लग रहे हैं। आरोपी मशीन में गड़बड़ी कर रहे हैं और सूचना मिलने पर एटीएम मशीन पर पुलिस पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनमें से वारिस खान और आमिर दोनों मेवात हरियाणा के रहने वाले हैं और दोनों ने ही देश भर की तकरीबन 50 से ज्यादा बैंकों में खाते खुलवा रखे थे। पूछताछ में दोनों ने बैंकों के साथ ठगी की बात भी स्वीकारी है और कहा है कि पहले तो एटीएम से वो रुपए निकालते थे और जब पूरे पैसे मशीन से बाहर होने वाले होते थे तो उस समय पहले एटीएम मशीन का स्विच ऑफ कर देते थे और बाहर निकले रुपयों को खींच लेते थे, जिससे पैसे निकालने का मैसेज बैंक के पास नहीं जाता था। शातिर ठग बड़ी ही चालाकी से वारदात को अंजाम देते थे। वहीं उज्जैन के एक ही एटीएम से लाखों रुपए भी इन्होंने निकाल लिए थे। इस तरह अलग अलग बैंक की शाखाओं से करीब 80 कार्ड इनके पास से मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ये चूंकि काफी समय से पुलिस की प्राथमिकता पे है कि एटीएम के जो फ्रॉड होते हैं उनकी जो भी गैंग सक्रिय हैं और वो किस प्रकार से वारदात करते हैं वो जानने के लिए, और इसी क्रम में जो यहाँ पे स्पेशल स्क्वाड है एटीएम फ्रॉड को देखने के लिए, वो टीम ने दो आरोपी पकड़े हैं जो मेवात जिले हरियाणा के ओरिजिनली रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक विशेष तकनीक से एटीएम फ्रॉड किए गए हैं, जिसमें काफ़ी बैंक में इन्होंने अकाउंट खुलाए हैं। लगभग 80 एटीएम कार्ड पुलिस ने इनसे बरामद किए हैं, जिसमें अलग अलग बैंक में इन्होंने अकाउंट खुलाए हैं और अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें पैसा ये डिपॉज़िट करते थे। डिपॉज़िट होने के बाद देश के विभिन्न शहरों में जाके एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करते थे कि जिससे बैंक के पास में ये मैसेज नहीं पहुंचता था कि कैश विड्रॉल हो चुका है, और ये कैश विड्रॉल उस एटीएम से कर लेते थे। एटीएम का जो पावर सोर्स रहता है उसको इस प्रकार से मैनिपुलेट करके बंद करते थे कि बैंक के पास मैसेज ना जाए, और बैंक को बाद में ये क्लेम करते थे कि इनको पैसा नहीं मिला है, और जो बैंक से दोबारा ये राशि उतनी ही ले लेते थे। अभी एक राष्ट्रीयकृत बैंक का हमने डिटेल निकाला है, तो जिसको 3.5 लाख का फ्रॉड इनके द्वारा अभी तक किया गया है। अन्य बैंक भी हैं, उनसे भी रिकॉर्ड पुलिस ने मांगा है, और इसके साथ रिमांड पे लेके और पूछताछ की जाएगी कितने और एटीएम इनके द्वारा ऐसे अकाउंट खुलाए गए हैं, कहाँ कहाँ फ्रॉड किए गए हैं। उसके बाद जानकारी प्राप्त करने के बाद बैंक से इनसे जो राशि गई है वो जब्त, ये एक ही बैंक का हमें जो डिटेल मिल पाया है वो जल्दी दे दिया है, तो उसमें 3.5 लाख मिला है। तो मुझे लगता है कि ये 80-90 जो एटीएम अभी तक बरामद हुए हैं, ये राशि तो काफ़ी ज़्यादा होगी।